गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों मैं आपको मैथ्स में चैप्टर वन पढ़ा रही थी और चैप्टर वन का नेम क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने इंटीजर्स को ऐड करना, उनको सेपरेट करना, ये सारी चीज़ें हम इसे प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं और इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी हम सीख चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स की, जो इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे रिलेटेड क्या है कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में दी गई हैं। चलिए हम उन प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी समझा चुकी हूँ, क्या है, क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो क्लोज़र अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, जब हम एक इंटीजर का मल्टीप्लाई दूसरे इंटीजर में करते हैं, क्या है प्रॉपर्टी, जब हम एक इंटीजर का मल्टीप्लाई दूसरे इंटीजर में करते हैं तो जो रिज़ल्ट आता है, जो आंसर आता है वो क्या आता है, इंटीजर। मतलब जब हम एक इंटीजर का मल्टीप्लाई दूसरे इंटीजर में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इंटीजर में करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, इंटीजर। क्या मिलेगा आंसर, इंटीजर। ओके, जैसे 4 का मल्टीप्लाई मैं 5 में करूं तो आंसर कितना आएगा, 20। तो 4 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है और 20 भी एक इंटीजर है, तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है क्लोज़र प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, क्या है बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, हम ए का मल्टीप्लाई बी में करें या बी का मल्टीप्लाई ए में करें, आंसर क्या आता है, हमेशा सेम आता है। जैसे हमने पढ़ा है, आपको सिखाया भी जाता है कि आप 3 का मल्टीप्लाई 4 में करें या 4 का मल्टीप्लाई 3 में करें, आंसर तो क्या आना है, 12 ही आना है। तो यही ये प्रॉपर्टी है कि हम 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर लें या 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर लें, वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आई पास समझ में सभी बच्चों को, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो मैंने सोचा एक बार आपको रिवाइज़ करवा दूँ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हम 3 का मल्टीप्लाई 4 में कर लें या 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर लें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, डैट इज़ 12। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो क्या है, कि हम किसी भी नंबर में ज़ीरो का मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, ज़ीरो। जैसे मैं ए का मल्टीप्लाई ज़ीरो में करूँ या ज़ीरो का मल्टीप्लाई ए में करूँ, आंसर हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। क्या आएगा आंसर, ज़ीरो। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 3 का मल्टीप्लाई मैं ज़ीरो में करूं या फिर 0 का मल्टीप्लाई मैं 3 में करूं, आंसर क्या आता है, ज़ीरो। ठीक है, तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। जैसे मैं -3 का मल्टीप्लाई 1 में करूं तो आंसर क्या आएगा, -3 ही आएगा। मैं आंसर -4 का मल्टीप्लाई 1 में करूं तो आंसर क्या आएगा, -4 ही आएगा। और मैं -3 का मल्टीप्लाई 0 में करूं तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन बाई ज़ीरो प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आई पास समझ में सभी बच्चों को, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे देखिए
हमने एक ब्रैकेट में ए का मल्टीप्लाई बी में किया, ब्रैकेट बंद किया, मल्टीप्लाई सी इक्वल टू किसके होता है, हम ए को अलग लिखते हैं और बी और सी को एक साथ लिखते हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि तीन इंटीजर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, तो हम उनको किसी भी ग्रुप में रख सकते हैं। ये नहीं ऐसा कर सकते हैं कि पहले नंबर का मल्टीप्लाई हमने दूसरे नंबर में कर लिया, फिर जो प्रोडक्ट आया उसका मल्टीप्लाई हमने तीसरे में कर दिया। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने पहले फर्स्ट नंबर को छोड़ दिया, सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का मल्टीप्लाई कर लिया, आफ्टर दैन फर्स्ट और थर्ड का कर लिया, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए तो हमने कोई भी एक इंटीजर ले लिया, हमने एक -3 ले लिया, दूसरा -4 ले लिया, तीसरा +5 ले लिया, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहले हमने ऐसे किया -3 बड़ा वाला ब्रैकेट लगा लें, -3 -4 का मल्टीप्लाई कर लें, और ये मल्टीप्लाई में हमने 5 को भी अलग रख दिया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, -3 का मल्टीप्लाई -4 में करिए, क्या आएगा आंसर, 12 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 5 में, क्या आएगा आंसर, 16 अब हम दूसरी तरीके से करते हैं कि -3 को हम छोड़ देते हैं और पहले किसका मल्टीप्लाई करते हैं, -4 और 5 का। तो -3 मल्टीप्लाई -4 का मल्टीप्लाई हमने 5 में किया, आंसर क्या आया, -20, और -5 का मल्टीप्लाई किया तो आएगा प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई 20 में किया तो आंसर कितना आया 60। तो आप दोनों तरफ देख सकते हैं आंसर कितना आया, प्लस के 60। तो इसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि हम नंबर्स को किसी भी ग्रुप में हम उनका मल्टीप्लाई कर लें, इस बात से उनके आंसर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या है चलिए देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, वी नो, हमें पता है 16 मल्टीप्लाई, अब जैसे ब्रैकेट में लिखा है 10 प्लस 2, तो हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले 16 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे और फिर 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने 10 प्लस 2 कर लिया 12 और 16 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया हमने 12। तो ये थोड़ा सा आपके लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट, 16 का मल्टीप्लाई 12 में आपको करना पड़ेगा। बट आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो आप इसको सिंपली ऐसे कर सकते हैं, 16 टेन ज़ा 160, 16 टू ज़ा कितने होते हैं बच्चों बताइए आप मुझे, क्यों 16 टू ज़ा कितने होते हैं, 32, और 160 में हमने 32 ऐड कर लिया, कितना आ गया 192, कितना आ गया 192। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हमने 16 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 12 में कर लिया तो भी आंसर कितना आएगा। चलिए करके दिखाइए आप मुझे, 16 का मल्टीप्लाई 122 में करेंगे, 12 में करेंगे, कितना 16 का मल्टीप्लाई हम 12 में करेंगे तो बताइए कितना आएगा आंसर, 192, कितना आएगा 192। तो इससे आंसर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख दिया 2 प्लस 3, तो आप इसका मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 मल्टीप्लाई 5, आंसर कितना आया 20, और आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया 8, 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया कितना आया 8 प्लस 2 12 20, कितना आ गया 20। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, आई बात समझ में। तो आज मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज समझाई। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई हम इंटीजर में करते हैं तो आंसर इंटीजर ही आता है।
सेकेंड प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि हम ए का मल्टीप्लाई बी में कर लें या बी का मल्टीप्लाई ए में कर लें, आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको ये बताई कि हम किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई ज़ीरो में करते हैं तो आंसर ज़ीरो ही आता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। कौन सी प्रॉपर्टी बताई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती है कि किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हम वन में करते हैं तो आंसर वन इंटीजर ही आता है। मतलब जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे थ्री का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, थ्री ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताई मैंने आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि नंबर्स की ग्रुपिंग, हम इंटीजर्स को किसी भी ग्रुप में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहले हमने फर्स्ट का सेकंड के साथ कर लिया, फिर जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई हमने थर्ड के साथ कर लिया, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फर्स्ट को हमने स्किप कर दिया और सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई हमने फर्स्ट के साथ कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, दोनों ही सेम आएगा। इससे आंसर पे कोई भी, उनके प्रोडक्ट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर ये दी गई है आपको कि आपको कोई एक इंटीजर दिया है और ब्रैकेट में दो ऐड में दिए हैं या फिर सब्ट्रैक्शन में दिए हैं, ऐसे भी हो सकता है, 16 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 10 माइनस 2 हो सकता है। तो इसे आप कैसे करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 10 माइनस 16 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 16 का मल्टीप्लाई 10 में किया, 160 माइनस 32, तो क्या आएगा आंसर बताइए, बताइए आप मुझे कितना आएगा, 128। कितना आएगा, 128। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 माइनस 2 कर लिया हमने 8, अब 16 का मल्टीप्लाई हमने 8 में किया, आंसर कितना आया, 128। कितना आया आंसर बच्चों, 128। तो दोनों का ही आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर आपकी जो भी फिनिश होता है, अब उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो मैंने आपको इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो करा दिया था, नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या है सेकंड का, ए वाला देखते हैं बच्चों हम। तो इसके टू पार्ट्स हैं, मैं आपको एक समझाऊंगी और एक आपको खुद करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है हम नोट कर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस माइनस 3। आप बिल्कुल ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखिएगा, कोई कहाँ जहाँ ब्रैकेट लगाया है वहाँ आपको ब्रैकेट लगाना है। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस ब्रैकेट 18 मल्टीप्लाई माइनस 3 फिर कैपिटल ब्रैकेट। ठीक है, चलिए तो हमें वेरीफाई करना है, मतलब हमें LHS इक्वल क्या करनी है, RHS की। चलिए देखिए, तो 18 लिखा है मल्टीप्लाई, अब हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 7। ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जब हम प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं, किस में करते हैं, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस। आंसर में क्या आता है, माइनस। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में किया, आंसर आया माइनस, तो माइनस के 3। ओके, हम दोनों एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, LHS को भी एक साथ सॉल्व कर लें और RHS को, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम LHS को सॉल्व कर लें फिर हम RHS को सॉल्व कर लें, तो दोनों ही तरीके सही हैं। अब हम इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, 18 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, 7 में, तो 18 7 जा 126 प्लस 18 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, 3 में, तो 18 3 जा 54। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा आंसर, माइनस में, माइनस के 54। कितना आया आंसर, माइनस के 54। तो 18 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 4 इक्वल टू 126, और हम प्लस का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, माइनस में। तो प्लस का मल्टीप्लाई बच्चों माइनस में करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस का, तो क्या आ जाएंगे, माइनस के 54।
कितना आ जाएगा आंसर, माइनस के 54। ठीक है, अब बताइए 18 फोर्जा कितने होते हैं, 72। 18 फोर्जा कितने होते हैं, 72। तो 72 इक्वल टू 126 का मल्टीप्लाई हमने क्या किया, 54 में किया, तो आंसर कितना आया, 72। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 72 कितना आ गया। आप ये देख रहे हैं कि जो LHS है वो किसके इक्वल है, RHS के। किसके इक्वल है LHS, इक्वल RHS। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया, तो इसी तरीके से आपको मैंने ए पार्ट आपका करा दिया, नाउ इसी वे में आपको बी वाला पार्ट करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। फॉर एनी इंटीजर ए, मतलब किसी भी इंटीजर ए के लिए, वॉट इज, क्या है, -1 मल्टीप्लाई ए, मतलब -1 का मल्टीप्लाई हम ए में करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा बताइए, आप मुझे बताइए, -1 का मल्टीप्लाई हम ए में करेंगे तो क्या आएगा आंसर, कितना आएगा आंसर, -a। क्योंकि हमें पता है माइनस का मल्टीप्लाई जब हम किसी भी प्लस में करते हैं तो आंसर क्या आता है, माइनस का, तो माइनस के ए। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। अब जैसे ये तो पॉजिटिव है, अभी यहाँ पर नेगेटिव होता है, जैसे -1 का अगर कोई नेगेटिव इंटीजर में मल्टीप्लाई करना होता तो आंसर क्या आता, ए ओनली, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस में करते हैं तो आंसर किस में आता है, प्लस में, तो आते प्लस के ए। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, तो आपको ये कुछ इंटीजर्स दिए हैं, आपको बताना है जब हम इनका प्रोडक्ट -1 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आएगा। चलिए मैं आपको ए वाला पार्ट समझाती हूँ। तो जब मैं -22 का मल्टीप्लाई -1 में करूँगी तो आंसर क्या आएगा, पहले तो हम करेंगे नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई, तो 22 का मल्टीप्लाई मैंने किस में किया, 1 में, क्या आया आंसर, 22, क्या आया आंसर, 22। और माइनस का मल्टीप्लाई जब हम माइनस में करते हैं तो किस में आंसर आता है, प्लस में, किस में आता है आंसर, प्लस में। ओके, आई बात समझ में सभी बच्चों को। चलिए तो इसी तरीके से आप बी वाला पार्ट करेंगे और इसी वे में हम सी वाला पार्ट करेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 मल्टीप्लाई 5। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, -1 का मल्टीप्लाई 5 से करना। राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1। तो आपको दिया है कि -1 का मल्टीप्लाई हमने किस में किया, 5। तो आपको कहाँ तक जाना है, -1 तक जाना है। तो 5 से हमें कहाँ तक जाना है, -1 तक। कहाँ तक जाना है बच्चों, -1 तक। तो पहले हम 4 पे जाएंगे, क्योंकि -1 तक जाना है तो हमें उल्टा चलना पड़ेगा, 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0 और फिर -1। चलिए देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसका हम, देखिए कैसे करेंगे। देखिए पहले हमने -1 का 5 में किया, आंसर कितना आया, -5। पता है ना, एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो जब हम माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो आंसर किस में आता है, माइनस में। फिर ऐसे माइनस का मल्टीप्लाई 4 में किया, आंसर कितना आया, -4। माइनस का मल्टीप्लाई 3 में किया, आंसर कितना आया, -3। -1 का मल्टीप्लाई 2 में किया, आंसर कितना आया, -2। -1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, आंसर कितना आया, 1। फिर -1 का मल्टीप्लाई 0 में किया, आंसर कितना आया, 0। फिर -1 का मल्टीप्लाई -1 में किया, आंसर कितना आएगा, आप बताइए, एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, सेम साइन है, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो आपको ये क्यों करवाया गया, ये इसलिए करवाया गया कि आप समझ सकें कि जब हम एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ करते हैं तो आंसर आता है नेगेटिव इंटीजर। क्या आता है आंसर, नेगेटिव इंटीजर आता है। और जब हम एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई नेगेटिव इंटीजर में करते हैं तो आंसर आता है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर। तो इससे हम ये कंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसी वे में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 अपनी होमवर्क
अपनी मैथ्स की नोटबुक में करना है, ठीक है।